स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। फिर हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंडा O3 आउटडोर CPU के बारे में। हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे पास यह टेंडा कंपनी का आउटडोर CPU है। इस CPU की फ्रिक्वेंसी 2.4 GHz की है। इस CPU का यूज हम CCTV वीडियो, इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन और वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। यह 5 किलोमीटर आउटडोर पॉइंट टू पॉइंट CPU है। प्रैक्टिकली मैंने इसका यूज 3 किलोमीटर की रेंज में किया है और इसमें इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। चलिए इस CPU को अनबॉक्स कर लेते हैं। मैंने इस डिवाइस को अनबॉक्स कर लिया है। चलिए प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसको हम टेंडा कंपनी का मिनी PoE बोल सकते हैं। इसमें हम 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं जो ये डिवाइस को पावर अप करता है। इसका यूज़ करके हम डिवाइस में डेटा प्लस पावर दोनों को CPU तक सेंड करते हैं। यह 12 वोल्ट पावर एडाप्टर है जो PoE के थ्रू CPU को 12 वोल्ट पावर अवेलेबल करवाता है। बॉक्स के अंदर हमको यह एक पैच कॉर्ड मिलती है जिसके सहारे हम CPU को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए मेन बात करते हैं अब इस CPU के बारे में। यह CPU बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक में है। इसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक से बनी हुई है और यह आउटडोर है जिसके कारण यह वेदर प्रूफ भी है। इसके अगर बैक साइड की बात करें तो इसमें 4 LED दिया गया है जो ये बताता है SYS, PoE WAN, LAN और ब्रिज कनेक्शंस को। PoE के बैक साइड में हमको 4 होल्स दिए गए हैं जिसकी सहायता से हम इसको वॉल में और आसानी से किसी पोल में हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमको एक ग्राउंड इनपुट करने के लिए स्लॉट दिया गया है, रीसेट बटन दी गई है और एक एक्स्ट्रा लैन यूज करने के लिए एक पॉइंट दिया गया है, प्लस PoE प्लस WAN के लिए एक पॉइंट दिया गया है। चलिए इस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह आउटडोर एंटीना 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है जिसकी सहायता से हम अपने मोबाइल फोन्स को या अदर वाईफाई डिवाइस को आसानी से इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस CPU का मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट 150 Mbps है। इसमें 12 DVI डायरेक्शनल एंटीना दिया गया है जिसकी वजह से आसानी से ज़्यादा वाईफाई कवरेज मिलता है। इसमें 6000 वोल्ट तक की लाइटिंग प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब कि जैसे इसको आप छत में किसी पोल पे अगर इंस्टॉल करते हैं तो अगर लाइटिंग होता है तो 6000 वोल्ट तक की लाइटिंग प्रोटेक्ट कर सकता है। यह डिफरेंस टाइप के मोड में वर्क करता है जैसे AP, एक्सेस पॉइंट, स्टेशन, WISP मोड, ETC। इसका PoE 60 मीटर डिस्टेंस तक वर्क करता है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट इंस्टॉल करने की बात करें तो यह डिवाइस बहुत ही अच्छा है। इसका परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही अच्छा है। अगर आप आउटडोर में डेटा ट्रांसमिट या CCTV वीडियो ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये अदर ब्रांड्स के कंपेयर में काफ़ी चीप रेट में आता है और इसमें हमको 3 ईयर की वारंटी मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।